जमशेदपुर में जाली नोट का धंधा करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से काफी संख्या में नोट भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जुगसलाई थाना क्षेत्र में जाली नोट चलाने के दौरान युवक को दुकानदार ने पकड़ा था, जिसके बाद उसे जुगसलाई थाना की पुलिस को सौंप दिया गया। पूछताछ में जानकारी मिली कि वह मानगोद गुलाब बाग में रहता है। पुलिस टीम ने उसके घर पर छापेमारी की। इस दौरान आरोपी के घर से नोट छापने वाला प्रिंटर, करेंसी के कागज समेत अन्य सामान भी बरामद हुए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं ये जो तमाम जाली नोट आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये पूरा मामला जमशेदपुर का है, जहां पर एक युवक जाली नोट छापता था। उसके घर पर पुलिस ने छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई और जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मौके पर आरोपी के घर से जो प्रिंटर बरामद किया गया है और जो जाली नोट का पेपर होता है, कागजात होते हैं, कागज होता है, उसे भी बरामद किया गया। साथ ही साथ इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर पूरी कार्रवाई कर रही है। सूचना मिला था किसी बंदे ने आके 50 रुपया के लिए कुछ फल मांगा और 500 का करेंसी दिया, बाकी पैसा मांग रहा था। फल दुकानदार को थोड़ा सा लगा कि इसमें कुछ नोट में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने तुरंत उनसे पूछने लगा कि कुछ डाउट हो रहा है। इन दोनों के बीच में जो बातें होने लगी, तो उस समय हम लोग को पुलिस के जवान का जो जा रहे थे उनको पता चला। वो जैसे ही जाके पूछताछ करने तो बगल में गए, तो जो अभियुक्त है उनके द्वारा वो जो करेंसी नोट है उसको तुरंत फाड़ के नीचे गिरा दिया, तो संदिग्ध और ज़्यादा हो गया। तो फिर उनको हम लोग थाना लेके आके पूछताछ किए। पूछताछ के उपरांत उनके जो अपना गुलाब बाग है फेज 2, उसी में घर में जाके अपने पुलिस टीम ने छापेमारी की, तो वहाँ पर हम लोगों को जो है। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के धंडिया हाई स्कूल के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है, जिसका इलाज कोइलवर PHC में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक चांदी अपने बहनोई के साथ परीक्षा देने जा रहा था और इसी दौरान ये हादसा हो गया। वहीं ये घटना होते ही ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चालक की तलाश में जुट गई है। मोटरसाइकिल से जा रहे थे पटना, अच्छा, परीक्षा देने के लिए, इसी दौरान में ट्रैक्टर वाला मार दिया था। कहाँ पर हुआ है? अंडिया में। और ये परीक्षा देने कहाँ जा रहे थे? पटना गांधी मैदान। अकेले थे या कोई और भी था? लड़का अपने जीजा के साथ जा रहा था। ठंडिया हाई स्कूल था। किस गाड़ी से हुआ है? ट्रैक्टर से। कितने लोग थे बाइक पे? 2 आदमी। मौत किसके? एक आदमी लव कुछ के। अच्छा। और अगली खबर झारखंड से, जहां देवघर के कुमेठा के पास सुनसान इलाके में झाड़ी से क्षत विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव को देखने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद DSP मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि हत्यारे ने साक्ष्य को मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। मामला देवघर का है, जहां पर सुनसान इलाके से क्षत विक्षत शव मिला है एक झाड़ी से और पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई, जांच और छानबीन तीनों जो है जारी है। और आखिर हत्या किस लिए की गई, इसकी बात जो है सामने नहीं आ पा रही है। और आग के हवाले जो है शव को हत्यारे ने कर दिया, क्योंकि साक्ष्य को मिटाने के लिए पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन किसी तरीके से पुलिस को इस मामले की सूचना मिली और पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जब जायजा लिया तो वहां पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, लोगों में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से माहौल इस इलाके में बना हुआ है, लोग किस तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर इस तरीके की मर्माहत घटना को अंजाम आखिर किसने दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देवघर से सीधे हमारे संवाददाता रंजीत जुड़ चुके हैं। रंजीत,
इस तरह का मामला सामने आ रहा है और हत्यारे ने आग के हवाले कर दिया है शव को। क्या शव की अब तक शिनाख्त हो पाई है पुलिस के द्वारा? जी, मैं आपको बता दूं कि जसीडीह थाना क्षेत्र के कुमेठा स्टेडियम के पास एक सिर कटी लाश मिली, जिसकी अभी तक पुलिस ने शिनाख्त नहीं कर पाई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल लाश के अवशेष को जो है पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। अभी तक लाश का शिनाख्त नहीं हो पाया, लेकिन किस कारण से हत्या हुई है, किसने की, इसकी भी पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले पे तफ्तीश कर रही है। जी, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? आखिर ये घटना आखिर कब तक की बताई जा रही, क्योंकि क्षत विक्षत हालत में शव मिला, यानी कि घटना बहुत पहले ही अंजाम दिया गया है और इस तरीके से उसे झाड़ी में फेंक दिया गया और आग के हवाले करके। लेकिन पुलिस को इस मामले की अब जानकारी लग गई है, पुलिस ने शव को भी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्या पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अब तक सामने आया है? जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पुलिस असमंजस में है कि ये लाश पुरुष की है कि महिला की है, और इसको लेकर असमंजस में पुलिस है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह लाश को जलाया गया और पहले इसको काटा गया था, सर को अलग किया गया घर से, उसके बाद इसे जलाने का प्रयास किया गया ताकि लाश को मिटाया जा सके। इसी को लेकर जो है ये पूरी वारदात हुई है, घटना हुई है, जिसके बाद पुलिस भी पहुंची है। पुलिस का कहना कि ये एक या दो दिन पूर्व की घटना लग रही है और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस गई है। फिलहाल कुछ भी पोस्टमार्टम करना जल्दबाजी होगी, अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं, ऐसा कुछ पुलिस ने बताया। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीत। तो आपको फिर से एक बार बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, लेकिन शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है क्योंकि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आया। फिलहाल कार्रवाई जारी है। और सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर चौक पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे महादलित परिवार से पुलिस ने मारपीट की है। पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि धरना देने के दौरान पुलिस ने मारपीट की और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल पीड़ित परिवार अपने जमीन पर घर बना रहे थे, इसी दौरान कुछ दबंगों ने पुलिस के साथ मिलकर जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार ने थाने में आवेदन दिया है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित परिवार जिलाधिकारी से आदेश लेकर धरना पर बैठ गया। बालूमात थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कोयला का कारोबार कर रहे ट्रकों को जब्त किया है। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए अवैध कोयला सहित दो ट्रकों को जब्त किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को लगातार इसकी सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने योजना बनाकर कार्रवाई की। वहीं बालूमात थाना प्रभारी राणा भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मालिक और ड्राइवर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बालूमात का ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध कोयले का कारोबार कर रहे ट्रकों को जब्त किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ट्रकों पर लदा अवैध कोयला पुलिस के अब हाथ लग गया है और पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं मालिक और ड्राइवर पर, जो ट्रक के मालिक और ड्राइवर हैं, उन पर भी मामला दर्ज कर लिया गया और पूरी कार्रवाई जो है जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए अवैध कोयले सहित दो ट्रकों को जब्त किया है और बताया जा रहा है कि पुलिस को लगातार इसकी सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने योजना बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं बालूमात थाना प्रभारी राणा भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मालिक और ड्राइवर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बद्री जुड़ चुके हैं। बद्री, दो ट्रकों को जब्त किया है पुलिस ने और गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अभी वहां पर माहौल बना हुआ है?
लगता है खराब कनेक्शन की वजह से हमारा संपर्क हमारे संवाददाता बद्री से टूट गया है। तो आपको एक बार फिर से बता दिए, पूरा मामला लातेहार का है जहां अवैध कोयला तस्करों को जो है पुलिस ने पकड़ लिया है। ट्रक के ड्राइवर और जो मालिक है उन्हें गिरफ्त में लेकर मामला दर्ज कर इस पर पूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दो ट्रकों को मौके से जब्त किया गया है जिसमें अवैध तरीके से कोयला ले जाया जा रहा था।